रिएक्शन गिवन है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. दे आर सेइंग कि दिस टाइप ऑफ द रिएक्शन इज गिवन एंड दे आर सेइंग कि आपको एक इमेज गिवन है, इसमें से आपको बताना है रिएक्टेंट कौन से हैं एंड प्रोडक्ट. सिंपल है, H2O2Cl2 आर द रिएक्टेंट्स एंड HCl एंड द वॉटर इज द. वेरी सिंपल क्वेश्चन. In a type of the if a few drop of concentrated acid accidentally spills over the hand of a student, what should be done? क्या करोगे? Soap में क्या होता है? Which base? Sodium hydroxide is there. That we will not use. ठीक है, बट वी विल डू. ऑप्शंस गिवन है वॉश द हैंड विद द सेलाइन सॉल्यूशन. ठीक है, सेकंड ऑप्शन है वॉश द हैंड इमीडिएटली विद प्लेंटी ऑफ वाटर एंड अप्लाई अ पेस्ट ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. थर्ड ऑप्शन है आफ्टर वॉशिंग विद द प्लेंटी ऑफ वाटर अप्लाइड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन द हैंड. बी है, सी नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बिकॉज दैट इज अ वीक बेस. ठीक है, अब उन्होंने कहा फोर स्टूडेंट्स स्टडीड रिएक्शन ऑफ द जिंक एंड द सोडियम कार्बोनेट. आई एम राइटिंग इट हियर, जस्ट यहां पे आपको बताना है. ये है जिंक Na2CO3, रिएक्शन है HCl के साथ. चार आपको ऑब्जर्वेशन गिवन है. पहली ऑब्जर्वेशन में ये रिएक्शन ऐसे आ रहा है. ठीक है, दूसरी में है, मैं सिर्फ ये लिख रही हूं. ठीक है, बाकी सेम है. दूसरी में है, तीसरा सेट है एंड द फोर्थ सेट इज दिस. इज आपने बताना राइट ऑब्जर्वेशन, मतलब रिएक्ट. उसने कहा है कि जिंक ने HCl के साथ करेगा. ठीक है, ये रिएक्शन है उसके साथ है तो है, इसके साथ रिएक्शन दे रहा है, इसके साथ नहीं दे रहा, वो ये कह रहा है. दूसरे में कह रहा है कि ये दोनों में हो रहा है, उधर नहीं हो रही जो क्रॉस है. दे आर सेइंग कि ये फोर सेट्स गिवन है. टिक रिप्रेजेंट द एवोल्यूशन ऑफ गैस, वेयर एज क्रॉस रिप्रेजेंट नो रिएक्शन. ठीक है, अब आपको इनमें से राइट सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्टूडेंट बताना है. इसमें से राइट सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन कौन सा है? बोलो. कैसे? सोडियम कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्ट नहीं करेगा. मैं यही वाला सारी जगह है. ठीक है, वो ऊपर लिखा हुआ है रिएक्शन इधर, मतलब HCl NaOH ऐसे ही है. HCl ऐसे. आप बताओ जिंक इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, करेगा? जिंक इसके साथ रिएक्ट करेगा? ठीक है कि नहीं? सोडियम कार्बोनेट जब करेगा HCl के साथ तो गैस निकलेगी. सोडियम कार्बोनेट इसके साथ करेगा तो गैस. बाकी सब में सोडियम कार्बोनेट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ ये वहां यहाँ पे है कि गैस नहीं निकल रही. ये और ये कह रहे हैं गैस निकल रही है, ये तो क्रॉस ही हो गए क्योंकि सोडियम कार्बोनेट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गैस रिलीज नहीं करेगा. ठीक है, तो कौन सी ऑप्शन सही है हमारी? कैसे लास्ट? जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा? ठीक है, तो लास्ट ऑप्शन इज द आंसर. ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल रिएक्ट्स विद द नाइट्रिक एसिड एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस. कौन से थे वैसे ही बता दो. मैग्नीशियम एंड मैंगनीज. उन्होंने सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम आयरन गिवन है. आंसर इज मैग्नीशियम. आगे है सरुबा ड्रॉप्स अ पीस ऑफ पोटेशियम एंड सिल्वर इन अ बिकर कंटेनिंग वॉटर. ठीक है,
yesterday I read the same question over there, like the in 8th class when we were discussing about the reaction of the sodium with the water, metals with the water. The same activity is given in the book also. When we will add the sodium in the water, sodium immediately come on the surface of the water, float karega for the time being and make a silvery ball. After that, its size goes on decreasing and it catches fire. Ye teeno observation hongi when the sodium we are dropping it into the water. ठीक है, floating से confuse नहीं होना. आपके पास अब वो question कह रहा है कि एक beaker है, आपके पास ये चीज बननी चाहिए. देखो कहाँ बनेगी. They are dropping the potassium and silver. Silver लिया, उसको पानी में डाला. I am just putting the reactions कि silver और potassium दो लिए, दो beakers लिए. एक में यहाँ पे silver डाल दिया, एक में potassium. ये reactions observe हो रही है, इसमें से set से बताना which one is the right. KOH, H2O. हाँ जी, पानी के बीच में डाला. एक में पोटाशियम नहीं, पहले में पोटाशियम, यहां सिल्वर, एडिंग इन वॉटर. सो विच वन, मतलब क्या होगा इसमें से. व्हाट आर द प्रोडक्ट्स फॉर्म्स इन बीकर, मतलब पोटाशियम रिएक्ट करेगा वॉटर के साथ तो क्या रिएक्शन होगी. पोटाशियम रिएक्ट करेगा, सिल्वर रिएक्ट करेगा पोटाश उसके साथ वाटर के साथ तो क्या होगे, कैसे. सिल्वर वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा, लीस्ट रिएक्टिव है. सिल्वर इज द लीस्ट रिएक्टिव, सो इट विल नॉट शो द रिएक्शन विद द वाटर. वैसे भी आपने सिल्वर के कड़े या कुछ भी पहना हो, ब्रेसलेट, इट विल नॉट शो द रिएक्शन विद द वाटर. सो हमारे पास ये और ये दो ऑप्शन बचती थी. ये बन नहीं सकता क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा. सो द लास्ट ऑप्शन इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजन, व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन. डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, अ व्हाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म. H2SO4 प्लस BaCl2 क्या बना. क्या बनेगा, BaSO. किसके व्हाइट प्रेसिपिटेट होते हैं, इसी के. रीजन कह रहे हैं वो, द फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज करैक्टरिस्टिक ऑफ द रिएक्शन. इस लाइन का मतलब पहले समझो. बेरियम सल्फेट, फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज अ करैक्टरिस्टिक ऑफ द रिएक्शन. करैक्टरिस्टिक ऑफ द रिएक्शन मतलब कि जो उसके व्हाइट प्रेसिपिटेट है वो रिएक्शन शो कर रहे हैं. यस, मतलब कंफ्यूजन आ जाती है कि व्हाइट प्रेसिपिटेट से वो थोड़े ना, बट व्हाइट इसमें उसने क्या कहा है कि जो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं, जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है दैट इज द करैक्टरिस्टिक ऑफ द रिएक्शन. यस, करैक्टरिस्टिक ऑफ द रिएक्शन का मतलब क्या है कि रिएक्शन हो रही है, उसकी पहचान कहां से हुई, व्हेन द व्हाइट प्रेसिपिटेट्स विल फॉर्म. मींस अदरवाइज व्हेन टू थिंग्स कंबाइन वी विल नॉट कम टू नो कि रिएक्शन हुई कि नहीं हुई, है ना. बट वेन देयर इज सम लाइक ऑब्जर्वेशन, वहां पे विजिबल ऑब्जर्वेशन है व्हाइट प्रेसिपिटेट, दैट इंडिकेट्स कि उनके अंदर केमिकल रिएक्शन हुई है. तो दैट इज द करैक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. ठीक है, दोनों ठीक है. नेक्स्ट है, ये क्या है, ये बताओ क्या है. क्या ये इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ मैं. अल्कोहल, इट इज अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल और इथेनॉल. ठीक है, आपको गिवन होगा क्योंकि अगर इस टर्म के लिए है तो साथ में आपको नाम गिवन होगा. ये तो मैंने वैसे आपको फार्मूला बता दिया, ओनली फार्मूला विल नॉट, क्योंकि फार्मूला आपका अगला चैप्टर है. ठीक है, तो आपको नेम गिवन होगा.
जस्ट एक मैंने वैसे लिखा है, दिस इज कॉल्ड इथाइल अल्कोहल और इथेनॉल। अब वो कह रहे हैं इथेनॉल एंड ग्लूकोज सॉल्यूशंस आर नॉट एसिडिक इन नेचर व्हाइल सल्फ्यूरिक एसिड इज एसिडिक इन नेचर। सही है कि नहीं? इथेनॉल एंड ग्लूकोज डू नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयन सॉल्यूशन। क्या होगा फिर ऑप्शन? असर्शन रीजन में से क्या ऑप्शन होगी? बोथ डू नॉट डिसोसिएट ना, जब अल्कोहल है और ग्लूकोज है, दे डू नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस। वो कह रहे थे डू नॉट प्रोड्यूस अ हाइड्रोनियम आयंस, दैट मींस ट्रू। असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड दैट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। नाउ द नेक्स्ट इज सोडियम प्लस वॉटर, इट विल फॉर्म NaH, सोडियम हाइड्राइड। ठीक है, ये एक रिएक्शन है, दे आर सेइंग कंसिडर दिस रिएक्शन। बट रिएक्शन रिप्रेजेंट कॉम्बिनेशन डीकम्पोजिशन, वैसे भी पता लग रहा है Na plus H2, टू थिंग्स आर ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड वन प्रोडक्ट इज फॉर्म। इसमें तो कंफ्यूज होना ही नहीं है, दैट इज द कंबस्टन। तो होती है व्हेन वी आर बर्निंग, जो आप कार्बन में करोगे, या नॉर्मली हम करते हैं कि व्हेन मीथेन बर्न्स। कंबस्टन मींस व्हेन इट बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। दोनों में ले लेते हैं, इस टाइम पे नहीं है कोवलेंट बॉन्ड, आयोनिक स्टेबल करेंगे हम कॉम्बिनेशन में। आपको अगर ऑप्शन है तो नेचुरली अगर कंबस्टन वाली ऑप्शन गिवन होगी, दो ऑप्शंस होंगी, देन मल्टीपल आंसर है ना, अदरवाइज तो कॉम्बिनेशन ही लिखोगे आप कॉम्बिनेशन ही लेके चलो। कंबस्टन में एक्चुअली कंबस्टन में ना हम करते हैं जब हम किसी फ्यूल को बर्न करेंगे, ठीक है तो वो भी मैग्नीशियम को बर्न करा ऑक्सीजन में तो होगी, लेकिन आप उसको कॉम्बिनेशन में चलो। नेक्स्ट इज केस स्टडी है, केस स्टडी का क्वेश्चन आपका है ब्राइन सॉल्यूशन वाला, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड वाला। सेम वही पैराग्राफ है, अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड इन वाटर, दिस सॉल्यूशन इज कॉमनली कॉल्ड ब्राइन सॉल्यूशन। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द ब्राइन सॉल्यूशन, इट डीकंपोजेस टू फॉर्म अ सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस, बिकॉज द प्रोडक्ट फॉर्म क्लोर फॉर क्लोरीन एंड एल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। आफ्टर दैट दे हैड गिवन द रिएक्शन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज फॉर्म नियर द कैथोड, ठीक है, एंड क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट द एनोड एंड हाइड्रोजन गैस एट द एनोड। सारे आंसर गिवन है जो इसमें आपके पैराग्राफ में क्वेश्चन अब पूछ रहे हैं। एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड ब्राइन। सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ द रिएक्शन टेक्स प्लेस एट एनोड। एनोड क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उसके पास कौन सी गैस जाएगी, तो क्लोरीन वाली जो रिएक्शन है दैट इज द आंसर। कैथोड पे हाइड्रोजन। विच ऑफ दिस गैसेस इज टेकन ऑफ एट द एनोड। एनोड पे वही क्वेश्चन, क्लोरीन, ठीक है, चार ये वो थे केस स्टडी पे, इज इट ओके? नेक्स्ट है आपके पास व्हेन एन आयरन नेल रब विद द सैंड पेपर एंड डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, हमें क्या विजिबल होगा? ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑन द लोअर पार्ट ऑफ द नेल ग्रीन कलर की कोटिंग, या ग्रीन की नहीं आती सल्यूशन, ब्लू से ग्रीन होता है। आयरन पे कौन सी कोटिंग होती है, ब्राउन। ब्राउन कोटिंग किसकी होती है, कॉपर की, कॉपर उसके ऊपर चढ़ जाता है, राइट, दैट इज द ब्राउन। जैसे हमने जूनियर क्लासेस में व्हेन वी यूज्ड टू आयरन चिपिंग्स कॉपर सल्फेट में डालते, इमीडिएटली डिस्प्लेसमेंट में इमीडिएटली वो ब्राउन कलर में चेंज। तो अब उसने ऑप्शन में क्या कहा आपको कि व्हेन दे डिप देयर आयरन नेल, उसका लोअर पार्ट पहले होगा एंड देन अपर पार्ट में जाएगा। सेकंड में कह रहा है अपर पार्ट पहले ब्राउन होगा फिर लोअर में आएगा। तीसरा कह रहा है ऑन द एंटायर सरफेस ऑफ द नेल एंड फोर्थ ऑन द नेल इन स्मॉल पैचेस। एंटायर सरफेस, वहां पे मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि वो ऊपर या नीचे के होगा। When we are pouring the iron nail, we have put the iron nail or chippings डालेंगे, immediately brown coating appear on the whole surface. यहाँ पे अब अगली वाली वही वाली reaction है zinc वाली, वो oxidation जिसमें electrons पूछे। Let me confirm it, after that we will do it.
A student noticed the bread kept out for a long time. ठीक है, वैसे पता लग रहा है क्या होगा? Rancidity. क्या होती है rancidity? In English, unpleasant smell and taste. अच्छा, एक ये पहचान हो गई. बोलो. इतना नहीं करते. एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स. एरियल हवा, ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन का ऐड होना, और एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स मतलब हवा का मिक्स होना ऑयल्स एंड फैट्स के साथ, दैट इज कॉल्ड रैंसिडिटी. ठीक है, जो हवा में ऑक्सीजन प्रेजेंट है दैट इज एरियल ऑक्सीडेशन. ठीक है, दैट इज द फैट्स और ऑयल्स को कन्वर्ट कर देना टू मेक इट रैंसिड, टू मेक इट अनप्लेजेंट स्मेल एंड टेस्ट. इस बार भी एक क्वेश्चन था आपको, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, वो क्या है? प्रिवेंटिव मेजर्स कौन कौन से हमारे पास है? ये क्या है? BHT एंड BHA क्या है? ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल एंड ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन. ठीक है, दीज आर द एंटी ऑक्सीडेंट, वी कैन एड इट इन टू दी टू मेक द टू अवॉइड द रैंसिडिटी. एंड अदर वन इज नाइट्रोजन, नॉट हीलियम में नाइट्रोजन ही करो है, बट एग्जैक्ट नाइट्रोजन ही फ्लश करते हैं, हीलियम नहीं फ्लश करते. ठीक है, नाइट्रोजन इज फ्लश इन द चिप्स बैग और एयरटाइट कंटेनर. अब मैंने पहले भी ये क्वेश्चन करवाया था, आई टोल्ड यू कि व्हेन दे आर सेइंग कि आयरन एंड पिकल को वी आर कीपिंग इट इन द सन. ठीक है, अदरवाइज बाकी चीजों को वी आर अवॉइडिंग इट फ्रॉम द सन. तो देयर इज अ डिफरेंस इन दीज टू. ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस इन दीज टू थिंग्स कि व्हेन आयरन things when you are using like iron and pickle, pickles ko we have to store it in the sun for some time taki usme jo oil hai ya jo bhi uske andar se moisture jo hai wo remove ho jaye, isliye hum oil usko pickles ko rakhte hain. Lekin otherwise baki cheezon ko avoid karte hain sun ke sath kyunki hawa react kar jati hai. Theek hai, next hai, a student listed some food item. ये आंसर आप सब भी फाइंड आउट करोगे, आई विल ऑल्सो सर्च इट. फूड आइटम्स बता रही हूँ, लेमन जूस, बेकिंग सोडा, ब्रोकली एंड कर्ड, इनमें एसिड और बेस बताना है. पहले तो हो गया लेमन जूस एसिड है, उन्होंने सिंपली पूछा एसिडिक और बेसिक में डिफ्रेंशिएट करो. एसिडिक होता है, चलो वो हमें पता है, सिट्रिक होता है. बेकिंग सोडा बेस हो गया, कर्ड ब्रोकली, श्योर क्या उसका रीजन आपको पता है? बेसिक सॉइल में उगाते हैं, हाँ ये कह सकते हैं, बट कौन सा है वो मुझे नहीं पता, आई विल ऑल्सो सी. तो ये नोट डाउन कर लो, ये एकदम से डिफरेंट ही क्वेश्चन आया. ब्रोकली में बेस होता है, वो वर्ड चल रहे हैं अलग अलग, बेसिक सॉइल में ग्रो करते हैं इसको. तो ये लर्न रख लो कि ब्रोकली में बेस होता है. ठीक है, इन एनी केस कोई क्वेश्चन ऐसा हो तो पता हो कि एक नई चीज आई है अभी तक, है ना. अब ये एक ऑप्शन है आपके पास, बिकर लिए उन्होंने, जिसमें उन्होंने 10 ml HCl लिया एक बिकर में, दूसरे में 10 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, उसके बाद इसमें उसने डाल दिया 4 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसमें 4 डाल दिया उसने HCl. राइट, नाउ द क्वेश्चन इज, दोनों में ऐड करा, द स्टूडेंट नोट द पॉसिबल चेंज इन द pH इन बोथ द केसेस. अब pH इस केस में इंक्रीज हो रहा है, उसमें हो रहा है, किस में डिक्रीज हो रहा है? अलग अलग है, ये टू अलग अलग बीकर्स है, एक में ये था एक में ये था. दे आर एडिंग 4 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, अदर बीकर 4 ml ऑफ HCl. फर्स्ट में pH क्या हो रहा है? क्यों क्या हो रहा है? इंक्रीज क्यों? ठीक है, उसमें pH, क्वेश्चन समझ आ गया सबको? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज सोच के आंसर देना. अ साइंटिस्ट इन द केमिस्ट्री लैब वांट्स टू प्रिपेयर द pH ऑफ 5.5.
राइट. व्हाट इज एडेड, मतलब 5.5 उसको पीएच चाहिए, जिसके लिए वो एसिड एंड बेस ले रहा है. कॉम्बिनेशन आपको बताना है कि विच कॉम्बिनेशन यू विल टेक. पहले 5.5 के लिए मुझे बताओ, इसमें एसिड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए? एसिड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि 5.5 एसिड है. बेस कम होगा तभी वो 5.5 में आएगा. पहला रीजन तो हमारे माइंड में ये क्लियर हो गया, एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वीक. ठीक है, अब एसिड उसने कहे हैं HCl, H2CO3, CH3COH, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक कार्बोनिक एसिटिक. कौन सा यूज करोगे? HCl. बेस कौन सा यूज करोगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड के अमोनियम हाइड्रोक्साइड? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बिकॉज सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस. राइट, पेरेंट एसिड एंड पेरेंट बेस ना पूछ के दे जस्ट आस्क यू कि 5.5 पीएच की वैल्यू बनानी है तो कौन सा एसिड और कौन सा बेस वो लेंगे. इज इट क्लियर? बस.